नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर को, जो कि 2300 रुपीज़ का है और अमेजोन से परचेज किया गया है। ये जो दोस्तों कॉर्डलेस ड्रिल या स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, वो चेस्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो बिना देरी क्यों है, जल्दी करते हैं इसका रिव्यू। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक का देखिएगा दोस्तों। तो ये है ड्रिल का बॉक्स, तो आपको कुछ इस प्रकार की जो है केसिंग में देखने को मिलता है। तो इसकी प्राइस जो है वो है 2300 रुपीज़ और ये अमेजोन से परचेज किया है। अगर लिंक अवेलेबल है तब तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको खोलते हैं, तो यहाँ से बाहर से आप देख सकते हैं चेस्टन प्रोफेशनल लिखा है। और जैसे आप इसे खोलेंगे तो इस प्रकार की कुछ पन्नी देखने को मिलेगी और आपको इसमें कोई भी जो है ड्रिल बिट जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये है येलो कलर में आपका ड्रिल या ड्राइवर जो भी बोलना चाहें आप। तो इसमें ये जो है ट्रिगर है, ये दोस्तों स्पीड कंट्रोल भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लो स्पीड में ये बीप की आवाज़ करता है और ये है इसकी हाई स्पीड। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है 18 जो है टॉर्क सिलेक्टर भी है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है डिफरेंट जो है टॉर्क जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और एक मोड इसमें दोस्तों ड्रिलिंग के लिए भी है, तो आप इसमें वुड वगैरह में जो है ड्रिल भी कर सकते हैं। और अगर मेटल की पतली सीट है तो आप उसमें भी आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों ड्रिल। और यह है जो बैटरी, तो बैटरी रिमूव करने के लिए आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, तो इसकी बैटरी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये मिलता है दोस्तों आपको चार्जर दोस्तों जो है थोड़ा चीप क्वालिटी का है, फिर भी दोस्तों काम चल जाएगा आपका। और जो हालांकि जो वायर है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन जो चार्जर है थोड़ा चीप क्वालिटी का है। और जो यहाँ पर मिलते हैं आपके एक एडिशनल बैटरी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज में एडिशनल बैटरी मिलना तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप चलिए इसका ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। हालाँकि आपको इसके साथ कोई भी जो है ड्रिल बिट नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों, ये है आपका फॉरवर्ड के लिए, जैसे ये नॉब है यहाँ पर और इसमें एक स्पिंडल लॉक मैकेनिज्म भी है, तो आप इसमें जो है ट्रिगर पुश नहीं होता है। और ये जो है रिवर्स के लिए है, तो कोई भी आपको इसके साथ जो है बिट वगैरह नहीं मिलती हैं, ड्रिलिंग एक्सेसरीज नहीं मिलती हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं बॉक्स को। तो हालांकि मैंने जो है ड्रिल बिट ख़रीदा हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ ड्रिल बिट। तो ये ड्रिल बिट जो है मैंने परचेज़ किया है लोकल मार्केट से, HSS हाई स्पीड स्टील जो है ड्रिल बिट बना है, हाई स्पीड स्टील का अच्छी क्वालिटी का है बहुत। ड्रिलिंग की मैंने इसे 2-3 बार काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ड्रिल करता है। 70 रुपीज़ का है दोस्तों, छोटा सा पीस केवल। और ये ख़रीदा मैंने वुडन स्पेड बिट में दोस्तों जो है इसका जो चक है वो बहुत ज़्यादा वूवलिंग करता है, बहुत ज़्यादा रन आउट करता है, मतलब हिलता है, तो इसलिए मैं इसे कम यूज करता हूँ। और जो इसकी प्राइस है दोस्तों वो है 25 रुपीज़। और ये है दोस्तों 8mm का सॉकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 8mm का सॉकेट है। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो भी है 50 रुपीज़। और यहाँ पर मैंने ख़रीदा हुआ है एक फिलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर बिट, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है फिलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर बिट, एज यू कैन सी दैट है, ये है फिलिप्स टू और ये है फ्लैट हेडेड, यहाँ से बोथ इन वन। तो ये आपको बिट खरीद सकते हैं, इसकी जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है एक वर्क पीस ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल करके दिखाऊंगा आपको इसमें। और जो है एक स्क्रू भी डाल के दिखाऊंगा। और एक स्क्रू भी है मेरे पास यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसी पर आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। तो सबसे पहले आपको स्क्रूइंग करके दिखाता हूँ। तो स्क्रूइंग करने के लिए सबसे पहले ये ड्रिल है, ये इसका चक है। तो चक जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में ये रिलीज होता है। तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं बिट को। तो ये हमने बिट डाला इसके अंदर, अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो टाइट हो चुका है, तो अभी स्क्रूइंग के लिए रेडी है। तो करके देखते हैं स्क्रूइंग। तो इसको क्लॉकवाइज में सेट करते हैं।
ये सेट किया हमने, बीट स्क्रू को पकड़ा, टॉर्क बहुत ज़्यादा है, हाथ को भी घुमा देगा, हालांकि हम टूल को पकड़ के रखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी इजीली इसने जो है स्क्रू को अंदर डाल दिया। तो अगर इसको बाहर निकालना है तो सिंपली इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट कीजिए और ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। और अभी जो टॉर्क की जो पोजीशनिंग थी क्लच की वो थी 11 नंबर पे, और अगर हम फर्स्ट नंबर पे रखता तो क्लच जो है गियर जो है स्लिप करने लग जाते क्योंकि उतना ज़्यादा नेसेसरी टॉर्क ये दे नहीं पाता कि इसके अंदर स्क्रू जो है इजीली चले जाए। तो अब जो हम दूसरे गियर की बात करते हैं तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको ड्रिलिंग करके दिखाता हूँ। तो ये है ड्रिल बिट, तो इसको चक में टाइट कर लेते हैं। तो अब इसको टॉर्क जो इसके क्लच को है उसको ड्रिलिंग पे सेट कर देते हैं। तो ड्रिलिंग पे सेट हो चुका है, अब ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग करने के लिए हल्के से शुरुआत करते हैं, पहले उसको क्लॉकवाइज में सेट कर लेते हैं। तो काफ़ी इजीली देख सकते हैं आप इसने ड्रिल कर दिया है। अब इसको बाहर निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में इसे घुमाइए बिट को। ये बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितनी जल्दी जो है हार्ड वुड पे जो है ड्रिल कर दिया है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। अगर लिंक अवेलेबल होगा तो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। 2300 रुपीज़ का है दोस्तों। इस प्राइस रेंज में आपको शायद ही कोई ड्रिल देखने को मिलेगा, हालांकि ड्रिल देखने को मिलेंगे लेकिन वो जो होंगे 12 वोल्ट के नहीं होंगे। इसकी बैटरी है 12 वोल्ट, 1.5 एम्पीयर, चार्ज होने के लिए टाइम लेती है 1 आवर, और चार्जिंग के बाद जो इसका वो है वर्किंग टाइम वो है 40 मिनट तक ये कंटिन्यूस वर्क दे सकती है। और ड्रिल कोई सी भी एक्सेसरीज इसको आपके इसके साथ आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में बात करें दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इजीली जो है स्क्रू को अंदर पुट कर देता है और इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 35 Nm का टॉर्क पैदा कर सकती है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू फ्रेंड्स।